जय श्री श्याम। तो भक्तजनों, मैं पहुंच चुका हूं श्याम बाबा के दर पे, श्री खाटू श्याम। तो चलिए शुरू करते हैं। खाटू श्याम मंदिर पहुंचने के लिए आप अपने पर्सनल व्हीकल के थ्रू आ सकते हैं, प्राइवेट टैक्सी हायर कर सकते हैं, या फिर राजस्थान की रोडवेज बस को लेकर भी खाटू तक पहुंच सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे बेस्ट और उत्तम साधन की, वो है इंडियन रेलवे। आप रेलवे के थ्रू रिंगस तक आ जाइए, जो कि यहाँ का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है। रिंगस उतरने के बाद आपको वहाँ से 50 से 100 रुपये के अंदर पर हेड टैक्सी वाले मिल जाएंगे। बहुत सारे भक्तजन आपको रिंगस से पैदल जाते हुए रास्ते मिल जाएंगे। कुछ लोग मोबाइल डीजे लेकर जाते हैं, नाचते कूदते भक्तजन बाबा के जयकारे लगाते हुए चलते हैं। कुछ भक्त तो दंडवत इस यात्रा को पूरा करते हैं। तो गाइस, हो चुकी है मॉर्निंग और पहुंच चुके हैं पार्किंग एरिया में। यहां से आगे फोर व्हीलर ले जाना अलाउड नहीं है और पार्किंग बिल्कुल पेड है। और यहां से फोर व्हीलर को पार्किंग में खड़ा करके तभी आगे जाना होगा। फ्रेंड्स, पार्किंग फुल्ली पेड है और 100 रुपीस आपको 24 आवर्स के यहाँ पर लगने वाले हैं। और आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे पार्किंग एकदम फुल है। जहाँ जहाँ तक नज़र जाएगी पार्किंग एरिया पूरा एक तरफ से फुल है, जबकि अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं तब ये हाल है। और भक्तजन, मैं जब जब आ रहा था देख पा रहा था मैं रास्ते भर से गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ अभी भी आने में लगी पड़ी हैं। सो कमाल होने वाला है, बने रहिए हमारे साथ। जय श्री श्याम। बाबा का निशान आपको रास्ते भर में बहुत सी जगहों पर मिल जाएगा, आप जहां मन करे वहां से ले सकते हैं। तो यहां से आगे अगर पैदल ही जाना पड़े, इस पॉइंट से आगे आप अपना पर्सनल या प्राइवेट किसी भी तरह का व्हीकल नहीं ले जा सकते हैं, आप सिर्फ ई रिक्शा लेकर जा सकते हैं। जाने से पहले ये निशान, जिसको झंडा बोलते हैं, वो आप ले सकते हैं, आपकी अपनी श्रद्धा है। आप सभी भक्तजन भी श्याम बाबा के दर्शन की इस यात्रा में हमारे साथ शामिल हो जाएंगे। और ये प्रसाद के लिए आपको रास्ते भर में बहुत सारी शॉप्स काउंटर्स मिल जाएंगे, जिसमें मेन चूरमा और ड्राई फ्रूट का प्रसाद होता है। इसके अलावा और भी बहुत तरह की मिठाइयाँ होती हैं, आप अपनी श्रद्धा अनुसार ले सकते हैं। जैसे जैसे मंदिर के निकट पहुंचते हैं, भक्तों की टोली बहुत बड़ी होती चली जाती है। पहुंचने वाले हैं बस। बहुत ही ज्यादा भक्तों की संख्या हो चुकी है। भक्तजन जय श्री श्याम के जयकारे लगाते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं।
ये जो निशान दिया जाता है इसको यहाँ पर सबमिट करना होता है। यहाँ पर ध्वज स्थल है, इससे आगे आप इस निशान को नहीं लेके जा सकते। तो चलिए हम भी सबमिट कर देते हैं यहीं पर। तो यहाँ पर निशान सबमिट कर देते हैं, इससे आगे निशान को ले जाना अलाउड नहीं होता है। निशान यहीं पर जमा हो जाता है, इससे आगे नहीं ले जा सकते। और इसके आगे बहुत अच्छे अरेंजमेंट्स हैं, रेलिंग्स लगी हुई हैं, मल्टीपल रेलिंग्स लगी हुई हैं जहां पर ऑटोमेटिकली लाइंस लग जाएंगी और धीरे धीरे बाबा जी के भवन की तरफ बढ़ेंगी। जय श्री श्याम। खाटू श्याम पर भक्तजनों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे कलयुग चलता जा रहा है, भक्तों की संख्या यहाँ पर दर्शन के लिए बढ़ती ही जा रही है। जिसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर इतने अच्छे अरेंजमेंट्स किए गए हैं। मंदिर को बंद भी किया गया था और उसके बाद में जो मंदिर ओपन हुआ है, इतने अच्छे अरेंजमेंट हैं, मल्टीपल लाइन्स हैं, फैंस हैं, बहुत अच्छी सी सुविधाएँ हो चुकी हैं। दर्शन करने के लिए यहाँ पर मल्टीपल लाइंस हैं। अगर आप फैमिली के साथ में आए हैं तो सभी भक्तजन एक साथ रहें, जिससे कि एक दूसरे से बिछड़ ना जाए। और उम्मीद करता हूँ मेरे व्यूवर्स सभी लाइन में लग चुके होंगे। और बने रहिए हमारे साथ लाइन में, आप सभी को वर्चुअली बाबा श्री श्याम के दर्शन होने वाले हैं। और आप घर बैठे जो मांग लेंगे वो श्री श्याम बाबा आपकी मुराद ज़रूर पूरी करेंगे। बाबा श्री श्याम के पास पहुंचने ही वाले हैं, सभी भक्तजन तैयार हो जाएं और कमेंट्स में जय श्री श्याम जरूर लिखें। के बहुत अच्छे से दर्शन हो गए हैं और पहली बार में आया था और बहुत अच्छा लगा मुझे। श्री खाटू नरेश की जय, श्री श्याम बाबा की जय। और बहुत ही अच्छा इंतजाम हो चुका है यहाँ पर, पूरा इतनी भीड़ होती है लेकिन इस बार में देखा है इतनी सारी लाइंस हैं तो बहुत अच्छे से दर्शन हो जाएंगे। तो चलिए और आगे की तरफ चलते हैं। जय श्री श्याम।
तो भक्तों की भीड़ देख सकते हो आप, पूरा इतना क्राउड हो चुका है, फुली क्राउडेड, लेकिन दर्शन करने के लिए बिल्कुल भी धक्का मुक्की नहीं है, इजीली दर्शन हो जाएंगे। भवन के आसपास के एरिया में आपको शॉपिंग करने के लिए श्री श्याम से संबंधित बहुत सारे आइटम्स मिल जाएंगे, जिसमें चाबी का छल्ला, टांगने के लिए तस्वीर, बड़े से की रिंग्स आदि शामिल हैं। यहाँ पर मन्नत का धागा बांधा जाता है, अपनी मन्नत मांग के आप यहाँ पर धागा बांध सकते हैं। मंदिर के आसपास के एरिया में बहुत सारे अच्छे अच्छे खिलौने, मन्नत का धागा, श्याम बाबा की प्रतिमा, मूर्ति, तस्वीर आदि की बहुत सारी शॉप्स आपको देखने को मिल जाएंगी। आप बार्गेनिंग भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो भक्तजनों, आइए जानते हैं कि श्री श्याम जी हैं कौन। भीम के पुत्र हुए घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र हुए बर्बरिक। बब्बर शेर जैसे बाल होने के कारण इनका नाम बर्बरिक पड़ा। बर्बरिक को माता रानी की कृपा से 3 बाण प्राप्त हुए थे, जिसकी वजह से इनको 3 बाणधारी भी कहा जाता है। बर्बरिक महाभारत के युद्ध में भाग लेने के लिए जा रहे थे। उनकी माता ने उनसे 2 वचन लिए कि रास्ते में जो कोई भी तुझसे कुछ भी मांग लेगा तो मना नहीं करेगा, और दूसरा वचन कि तू हारे का सहारा बनेगा। बर्बरिक को रणभूमि की तरफ जाता देख श्री कृष्ण जी ब्राह्मण का रूप लेके आए और बोले, हे बालक, तुम में ऐसी क्या शक्ति है जो तुम युद्ध में लड़ने जा रहे हो, और तुम किसका साथ दोगे? तो बर्बरिक ने बोला कि मैं सिर्फ 1 बाण ऐसा छोड़ूंगा कि न जीतने वाला बचेगा न हारने वाला बचेगा, और मैं हारे का सहारा बनूंगा। श्री कृष्ण जी महाभारत के युद्ध का निर्णय जानते थे, तो उन्होंने सोचा कौरव अगर हारने लगेंगे तो ये कौरवों की तरफ से लड़ेगा। तो श्री कृष्ण जी ने पीपल के पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा, हे बर्बरिक, अपनी शक्ति का परिचय दो, अपने 1 तीर से पीपल के सारे पत्तों को भेद कर दिखाओ। तो बर्बरिक जी ने ऐसा तीर चलाया कि 1 ही बाण से सारे पत्तों को भेद दिया। श्री कृष्ण जी ने कुंती जी को वचन दिया था कि मैं तुम्हारे 5 पुत्र की रक्षा करूंगा, तो उन्होंने सोचा कि मैं इनके पुत्र की रक्षा कर भी पाऊंगा कि नहीं, तो 1 पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लिया। तो बर्बरिक जी का बाण घूम फिर कर उनके पैर के पास घूमने लगा। बर्बरिक जी ने कहा कि हे प्रभु, अपना पैर हटाइए, 1 पत्ता आपके पैर के नीचे है। बर्बरिक जी के इस पराक्रम को देखकर श्री कृष्ण जी ने युद्ध के निर्णय को जानते हुए बर्बरिक से शीश का दान मांग लिया, और बर्बरिक जी अपनी माँ को वचन देकर आए थे कि रास्ते में कोई भी कुछ भी मिले, कुछ भी मांग लेगा तो मना नहीं करेगा। तो बर्बरिक जी ने हंसी खुशी से अपना शीश दान में दे दिया और श्री कृष्ण जी से कहा कि हे प्रभु, आप अपने असली रूप में आइए, आप कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकते। तब श्री कृष्ण जी बहुत खुश हुए और अपने असली रूप में आ बर्बरिक से बोले, हे बर्बरिक, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ, मांगो, क्या मांगते हो? तब बर्बरिक जी ने कहा, प्रभु, मैं युद्ध लड़ने के लिए आया था, युद्ध लड़ नहीं पाया, तो मैं युद्ध देखना चाहता हूँ। तब श्री कृष्ण जी ने उनके शीश को अमृत पिलाया और हिमाचल में ऊँची चोटी पर रख दिया। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद पांचों पांडव आपस में लड़ने लगे, तो श्री कृष्ण जी उनको बर्बरिक के शीश के पास ले गए और पूछा, हे बर्बरिक, यह महाभारत का युद्ध किसने जितवाया है? तो बर्बरिक जी बोलते हैं कि मुझे तो चारों तरफ रणभूमि में श्री कृष्ण जी का चक्र चलते हुए दिखा, तो यह युद्ध श्री कृष्ण जी ने ही जितवाया है। श्री कृष्ण जी बर्बरिक की इस बात से इतने खुश होते हैं और उनको वरदान दे देते हैं। श्री कृष्ण जी उनको वरदान देते हैं कि तुम हारे का सहारा बनोगे, और पहली बार तुम्हारे दर पर आकर कुछ भी मांग लेगा तुम मना नहीं करोगे, और जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा मेरी 16 की 16 कलाएं तुम में विराजमान होंगी, कोई अगर इस श्याम को पुकारेगा तो तुम खाटू वाला श्याम बनकर उनकी मुराद को पूरी करोगे। तो श्याम प्रेमियों, ये थी बर्बरिक से श्री श्याम बनने की संपूर्ण कथा। इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा भक्तजनों तक शेयर करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। आगे आपको लेकर चलते हैं श्री श्याम कुंड की तरफ, जिसमें उनका कटा हुआ शीश प्रकट हुआ था, जिसको खाटू मंदिर में स्थापित किया गया है। तो चलिए चलते हैं श्री श्याम कुंड की तरफ। खाटू श्याम जी का प्राचीन कुंड है।
था प्राचीन श्याम का कुंड। अब चलते हैं आगे की तरफ। तो भक्तजनों, ये था श्री श्याम प्राचीन कुंड, जहाँ से श्री खाटू श्याम जी का शीश अवतरित हुआ था। अब चल रहे हैं हम लोग जो नया कुंड बना है, नए कुंड के दर्शन करने, और आपको दिखाते हैं नया कुंड। तो श्याम प्रेमियों, प्राचीन कुंड के दर्शन हम लोग कर चुके हैं। अब चलते हैं जो नया श्याम कुंड बना है उसकी तरफ, और ये प्रवेश द्वार है। चलिए चलते हैं अंदर की तरफ। जय श्री श्याम। खाटू श्याम जी का जो नया कुंड है, और आप देख पा रहे हैं स्नान कर रहे हैं मेरे पीछे। ऐसी मान्यता है कि इस नए श्री श्याम कुंड में स्नान करने से भक्तों को बीमारियां, परेशानियां इनसे मुक्ति मिलती है, और इसी के साथ ही साथ मन की मुरादें भी पूरी होती हैं। तो भक्तजनों, उम्मीद करता हूँ हमारे साथ साथ आप सभी को श्री श्याम बाबा के बहुत अच्छे तरीके से दर्शन हुए होंगे, और बरबरी से खाटू श्याम बनने की कथा अगर अच्छी लगी हो तो इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और कॉमेंट में जय श्री श्याम लिखें। ओ भक्तजनों, इतनी ज़्यादा धूप है, मतलब सुबह के टाइम पर मौसम ठीक था, शाम के टाइम पे इतनी तेज़ धूप है कि पैर जल गए। तो अपने शूज़, स्लीपर्स मंदिर के भवन के पास तक लेके जाएं और वहाँ नियर बाई शॉप पे सबमिट करें, यहाँ पार्किंग एरिया में या आसपास में छोड़कर ना जाएं। और इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय श्री श्याम।